भसीन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 18,000 की बधाई स्वीकार करें, फाइनली आज मंगलवार के दिन दर्शन हो गए 18,000 के। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपकी मेहनत जी टीवी और हमारी चेष्टा देखिए क्या रंग लगाती है। इन्होंने कहा था 2022 में तो भूल ही जाओ, 18,000 तो शायद 2023 में भी नहीं दिखेंगे जी। समझ आई? तो हम तो कहेंगे हनुमान जी की भी कृपा है, भगवान की है, और इंडिया में तो सर जितने भगवान है सबकी कम है तुलना करना। तो अपने भगवान में फेथ रखो, अपने देश में फेथ रखो और पैसा कमाओ, यही इसका तात्पर्य है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। अनिल जी ये है इसका पिन पॉइंट, द रिटेल इन्वेस्टर इज भगवान मेरे लिए। और वो रिटेल इन्वेस्टर ने अगर आपका शो देखा है और हमें देखा, आपको देखा है, उसने कमाया है। आपको ये भी बताऊं सर, मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में है जो मेरा हेज फंड मैनेजर होता था, वो कहता है वॉल स्ट्रीट फॉलोज यू एंड जी टीवी एंड अनिल सिंह भी। बताइए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है जी? बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इसीलिए कहते हैं कि पिछले 1.5 साल 2 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, ये तीसरी महाशक्ति है। घरेलू फंड FIs उनके सामने तीसरी महाशक्ति खड़ी, तो उस तीसरी महाशक्ति को जागृत करने में आपका हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। और उस वजह से देखिए ये लोग जुड़े हुए बाजार से, उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि पैसा बनेगा बस, और वो आप बखूबी देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो शब्द कहे सर दिल को छू गए। बताएं सर अब अपडेट्स भी आउटलुक भी। हाँ तो अनिल जी, और परसों मैं आपके साथ चाय पी रहा हूँ सुबह, और किसी को भ्रम हो या मंदी का ध्यान हो तो उसको बुलवा लेना स्टूडियो में या भेज देना लाइन पे, कोई भी भ्रम वाला हो तो मेरे पास ले आना सर। अपने चैनल पे तो है नहीं, आपकी भाषा में, कोई अंग्रेजी चैनलों पे होंगे तो पता नहीं सर। अरे किसी को भ्रम हो तो आ जाए जी टीवी में, आपका एड्रेस दे दूंगा सर, वहाँ आके मेरे से चेष्टा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। अनिल जी अपडेट ये है, कल आपको दिया था SBI लाइफ 1310 वाला 1340 बिक गया, आउट परफॉर्म। नैल्को हो गया 85, HDFC, विप्रो, HCL टेक, दीपक नाइट्रेट, जी सेल, L&T फाइनेंस, PNB, PEL, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी और कोटक सारे आउट परफॉर्मर है। उसके अलावा अनिल जी आपको DCB बैंक 90-92 में कहा था 108 हो गया, ये 125 जाएगा। कल यूनियन बैंक 44 रुपए में कहा था 46 हो गया। अब मैंने आपको कैश के शेयर भी बता दिए। आज का मेरा एक ही पिक है, बाकी नफा बुक करने में मत भूलना, ना कोई याद कराएगा। 18,000 आ गया, अगर हमें फॉलो कर रहे हो नफा भी बांधना। आज का कैश का एक ही पिक है मेरा फेवरेट स्टॉक, आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर प्लीज बताएं। अनिल जी न्यूरेका, मैंने पहले भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं, दिस इज अ डिजिटल स्मार्ट मेडिकल डिवाइस इनटू क्यूरेटिव प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक, इट इंप्रूव लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, इससे बड़ी चीज नहीं है। और ये जो डायग्नोसिस करती है, इट हेल्प पेशेंट टू गेट अर्ली सिग्नल फॉर एनी क्रॉनिक डिजीज। लिविगो जो सिमिलर कंपनी है, वो $200 मिलियन की बिकी थी टेलीडॉक को 18 टाइम सेल्स पे। और निरका की मार्केट कैप कैसे हो सकती है सर 990 करोड़? तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिवाली पे 1400 का रंग दिखेगा या उसके थोड़ा सा आगे। न्यूरेका विल बी एन आउट परफॉर्मर, इसके पास 7 लाख यूजर है इन दी ऐप, और ये यूजर से पैसे कमा रहे हैं, नॉट बर्निंग मनी टू गेट यूजर, जो अनलाइक अदर्स है। तो इस जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी मेरे हिसाब से है नहीं इंडिया में, और इससे जो विजन है आप प्री डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, ये सारा सम ऑफ पार्ट्स है। तो 1400 का टारगेट है अनिल जी, और 40% अपसाइड एट अ टाइम व्हेन द इंडेक्स इज हिटिंग 18,000 इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जिस पर भरोसा भसीन साहब का लगातार बरकरार है, फंडामेंटली मजबूत पोर्टफोलियो में लेकर छोड़ दे, रख दे, ये होगा बेहतर। और बाकी वायदा कारोबार के जो शेयर है उनमें धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, तो सर 18,000 के पार थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि मुनाफा भी अपने अकाउंट में लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक देने के लिए और साथ ही दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, और एक्शन भी और बढ़ता दिख रहा है, डे हाई।